हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ पालक और आलू की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी, जो बहुत ही आसानी से बन जाती है, बहुत हेल्दी भी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने पालक को काट लिया था और आलू भी काट लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से धुल लिया है। आलू को मैंने छीला नहीं है क्योंकि इसके छिलके में विटामिन होते हैं, अच्छे लगते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि छीलना तो आप छील सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हम कढ़ाई में थोड़ा 1 चम्मच करीब तेल डाल देंगे और तेल को हम होने देंगे गरम। तेल जब आपका गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। हींग से बहुत अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, तो हींग डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे लहसुन और कटी हुई मिर्च। यहाँ पर हमने लहसुन मिर्च को डाल दिया है और इसको हम थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। लहसुन अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाना चाहिए, तब तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू आपको थोड़ा पहले डालना है, तो यहाँ पर हम आलू डाल देंगे। और आलूओं को अब हम करीब 1 मिनट तक फुल तेज आंच में तेल के साथ अच्छे से कढ़ा लेंगे तेल में। मैंने साथ में ही दोनों चीज़ों को रखा था, इसलिए थोड़ा बहुत पालक की पत्तियां भी आ गई हैं, अलग अलग रख सकते हैं। तो 1 मिनट तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पालक। फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है, करीब 5 से 6 मिनट ही लगते हैं, बनकर के सब्ज़ी रेडी हो जाती है, खाने में बहुत ही हेल्दी लगती है। तो हम पालक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक कम ही डालिएगा क्योंकि पालक जो है अभी बिल्कुल थोड़ी सी रह जाएगी, फिर नमक आपका ज़्यादा लगने लगेगा, इसलिए नमक कम ही डालें। तो हम इसको अच्छे से चला लेते हैं और हम किसी भी प्लेट की मदद से या ढक्कन की मदद से इसको हम ढक करके मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकने देते हैं। तो इसको हम ढक्कन ढक देते हैं इसका, और अब हम बीच में एक बार इसको और चला लेंगे। तो अभी देख सकते हैं आपकी पालक ने पानी छोड़ दिया है, तो ये पानी जो अभी धीरे धीरे सारा ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम इसको फिर से ढक देते हैं और तब तक के लिए हम इसको पकने देंगे जब तक कि हमारे आलू गल ना जाएं। तो हम इसको पकने देते हैं। तो गाइस, अब हम इसमें डालेंगे मसाला। तो आप देख सकते हैं हमारे आलू गल चुके हैं, पानी पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है, ख़त्म हो गया है। तो हम मसाले डालेंगे। तो मसाले में हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आपको ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हरी सब्जी है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़े से हम गरम मसाला यहाँ पर डालेंगे। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम मिक्स करते हुए अच्छे से कल्हार लेंगे। तो इसको हम अच्छे से कल्हार लेते हैं ताकि मसाले भी हमारे मिक्स हो जाएं, सब्ज़ी भी हमारी अच्छे से कल्हर जाए। और अब हम इसको थोड़ी सा और ढक्कन की मदद से ढक देते हैं, बिल्कुल धीमी आंच कर देंगे, करीब हम 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि हमारे थोड़े मसाले अच्छे से सेट हो जाएं सब। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी पालक की बहुत बढ़िया टेस्टी सब्ज़ी बन करके रेडी हो गई है। बहुत अच्छे से सब्ज़ी कलर चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इसको आप गर्मा गर्म खाइए, रोटी के साथ, पराठे के साथ भी आप खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।